नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। पहले प्यार और फिर शादी, हर प्यार करने वाले जोड़े की यह मकसद होता है। हालांकि लव मैरिज के लिए किसी को लूटना, ये शायद ही किसी ने पहले सुना होगा। लेकिन बाराबंकी पुलिस ने एक ऐसी ही वारदात का खुलासा करके सभी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल बाराबंकी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करके ज्वेलर से हुई लूट का रासफाश कर दिया है। वजह ये सामने आई है कि यह लूट अपनी प्रेमिका से विवाह के लिए की गई थी। खुलासा करने वाली पुलिस टीम को व्यापारी ने अंगवस्त्र और नकदी देकर सम्मान किया है। पूरा मामला बाराबंकी के टिकेत नगर थाना क्षेत्र का है, जहां ऋषु नाम का एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। ऋषु ज्वेलर की दुकान पर काम करता है, इसलिए उसने अपनी शादी के लिए दुकान मालिक शैलेंद्र से करीब 6 महीने पहले गहने, कुछ रुपए नगद और बाकी उधार देने के लिए कहा था, लेकिन शैलेंद्र ने इसे साफ इनकार कर दिया। तब ऋषु ने अपनी बुआ के लड़के उत्कर्ष के साथ मिलकर किसी व्यवसायी को लूटने का प्लान बनाया। इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में बिना नंबर प्लेट की बाइक और हेलमेट लगाए दोनों बदमाश दिखे। इसी मामले में टिकेत नगर पुलिस ने सेवड़ा के ऋषु वर्मा और लखनऊ गोसाईगंज सेराई गोदाली के उत्कर्ष कुमार वर्मा के बदोसराय रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया। एसपी के मुताबिक उत्कर्ष इस समय में लखनऊ के विभूति खंड के रेलवे कॉलोनी मल्लार में रहता था। आरोपियों के पास से लूटे गए करीब 6 लाख की कीमत के जेवरात, वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर प्लेट की बाइक और वह कपड़े भी बरामद किए हैं, जिसे पहनकर वारदात की गई थी। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।